प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जंजीर को नहीं मिली सक्सेस और लगता है प्रियंका को इस फेलियर का पहले से ही था अंदाजा। तभी शायद वो फिल्म को प्रमोट करने में ज्यादा बिजी नहीं दिखी। यहाँ तक कि फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट को प्रियंका ने अपेरेंटली इसलिए मिस किया बिकॉज शी वॉज बिजी विद रामलीलाज आइटम सॉन्ग। अक्षय कुमार को भी शायद जब अपनी फिल्म के फ्लॉप होने के आसार नजर आते हैं तो वो भी अपनी फिल्म से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उनकी लास्ट रिलीज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को अक्षय ने हार्डली प्रमोट किया। हालांकि एक दो टीवी शोज पर वो जरूर गए थे लेकिन उनके अलावा अक्षय फिल्म के लिए ज्यादा कुछ करते नजर नहीं आते थे। वैसे इससे पहले उन्होंने अपनी फिल्म जोकर को जरा भी प्रमोट नहीं किया और उनकी वो फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। हाल ही में अजय देवगन ये कहते हुए सुने गए कि उन्हें पता था कि हिम्मत वाला नहीं चलेगी। वैसे इस फिल्म को थोड़ा बहुत प्रमोट किया था अजय ने, बट द फिल्म फेल्ड मिजरेबली। रिपोर्टेडली अजय ने ये भी कहा कि फिल्म का रेट्रो लुक उसकी फेलियर की एक बड़ी वजह थी। इंटरेस्टिंगली फिल्म के फ्लॉप होने से पहले तक अजय ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपनी फिल्म एक्शन रिप्ले के प्रमोशनल इवेंट को मिस किया था। उन्हें एक टीवी शो में पहुंचना था लेकिन ना तो वो वहां पहुंची और ना ही शो से जुड़े क्रू को अपने ना आने के बारे में इन्फॉर्म किया। इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर विपुल शाह फिल्म के कुछ पैचवर्क और एक सॉन्ग शूट करने के लिए ऐश्वर्या के डेट्स चाहते थे लेकिन ऐश्वर्या ने दूसरे कमिटमेंट्स का रीजन देकर अपेरेंटली डेट देने से मना कर दिया। शायद ऐश्वर्या समझ गई थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढेर होने वाली है। सिमी, जिन फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस रन इतना अच्छा नहीं होता देखा जाए तो उनकी प्रमोशन भी इतनी अच्छी नहीं की जाती है फ्रॉम दी स्टार्स। वेल आई थिंक स्टार्स को पता लग जाता है, एक फीडबैक मिलता है, इंट्यूटिवली भी उन्हें पता होता है कि शायद ये पिक्चर पिटने वाली है तो फिर उनका एटीट्यूड प्रॉब्ली ये हो जाता है कि वाई गेट एसोसिएटेड विद अ फेल्ड प्रोडक्ट और समथिंग दैट्स अबाउट टू फ्लॉप सो बैडली एंड वो डिसओन कर देते हैं मूवी को। बट यहाँ पर एक फ़र्क है, फिर भी जब वो प्रमोट करते हैं मूवीज़ को, उनकी खुद की जब होम प्रोडक्शन होती है, जब उनके खुद के पैसे दाव पर लगे होते हैं तो फिर वो बिल्कुल अपनी जी जान से प्रमोट करते हैं। एक्सेप्ट प्रॉबली फॉर सोनाक्षी जिन्होंने अपनी फ्लॉप मूवीज़ को भी प्रमोट किया है, शी इज़ बिन थरली प्रोफेशनल एंड फेयर टू ऑल हर प्रोजेक्ट्स। अदर देन दैट आई थिंक जो हमारे बड़े स्टार्स हैं वो सोचते हैं वाई टेक द रिस्क, एक पिक्चर फ्लॉप होने वाली है उससे पहले बैकआउट हो जाओ। Well, Simi, on that note, thank you so much for being on the show again. It's always my pleasure. क्या स्टार्स को हिट्स के साथ साथ अपनी फ्लॉप फिल्म्स की भी लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेंड इन योर व्यूज टू ट्विटर @ZoomTV #Page3.